नमस्कार दोस्तों, मधुवन टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो पर बात करेंगे फेसबुक पेज को प्रमोट कैसे करें, हाउ टू प्रमोट अ फेसबुक पेज। आप अपने फेसबुक पेज को प्रमोट करना चाहते हैं या फिर अपने किसी भी फेसबुक पेज की पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? आपके फेसबुक पेज पर बिल्कुल भी रीच नहीं है, आपके फॉलोअर्स नहीं है, आपके पोस्ट पर व्यूज नहीं आता, आपका फेसबुक पेज का पूरा रीच खत्म हो रखा है, तो कैसे आप फेसबुक पेज को प्रमोट करके अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं? आज इस वीडियो पर लाइव प्रूफ पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आखिर तक देखो। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मधुवन टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरी कोशिश आपको वक्त के साथ अपडेट रखने की होती है। फेसबुक पर जब आप पोस्ट ऐसे स्क्रॉल कर करके देखते हैं तब आपको बीच में स्पॉन्सर्ड पोस्ट दिखाई देती है, या फिर रील देखते रहते हो तभी आपको बीच में स्पॉन्सर्ड रील देखने को मिल जाती है। अब आप अगर अपने फेसबुक पेज को प्रमोट करते हैं तो आपका भी जो पोस्ट या फिर रील होगा वो कुछ इस तरीके से स्पॉन्सर्ड के अंदर बाकी अदर यूजर को दिखेगा, जिन्होंने आपके पेज को फॉलो नहीं किया है उन तक भी रीच जा सकती है। उसको बोलते हैं फेसबुक प्रमोशन, फेसबुक पेज को प्रमोट करना या फिर पोस्ट को प्रमोट करना। बट आपको पेज को प्रमोट करना है या फिर पोस्ट को बूस्ट करना है तो उसके लिए आपको फेसबुक पर कैंपिंग रन करवाना होगा, आई मीन फेसबुक पर थोड़ा बहुत आपको पैसे इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप अपने फेसबुक पेज को बूस्ट कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। यह बिल्कुल जेन्युइन तरीका होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता, ना ही मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होगा, ना ही आपके पेज पर कोई दिक्कत होता है, क्योंकि ऑफिशियल फेसबुक का ही होता है। बहुत सारे आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट देखने को मिली जाते हैं। तो आप अपने खुद का पेज को कैसे बूस्ट करते हैं, चलो वो प्रोसेस समझ लेते हैं। उसके लिए ये मेरा फेसबुक का एक पेज है, इसको मैं आपको प्रमोट करके दिखाऊंगा, बूस्ट करके दिखाऊंगा। अब आपको प्रमोट करना है तो उसके लिए आपका पेज होना चाहिए, ठीक है? एंड एट दिस टाइम आप फेसबुक प्रोफाइल को बूस्ट अप नहीं करा सकते। अब यहाँ पर आपको प्रमोट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑलराइट? तो आपको इस प्रमोट पर टैप कर देना है। जैसे आप प्रमोट पर टैप करोगे, देखो सबसे पहले बूस्ट अप पोस्ट, यानी कि यहाँ पर टैप करके आप अपने पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, रील है या फिर वीडियो है या फिर कोई पोस्ट है, उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सारी आपके रील देखने को मिल जाएगी। तो इजीली आप इसके ऊपर टैप करके भी कर सकते हो। या फिर दूसरा मेथड बताता हूँ, क्रिएट अ न्यू एड। इसके अंदर क्या होगा कि फेसबुक पर आपके वीडियोस, फोटोज या फिर रील होगी वो उसको आप बूस्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आप जो है फेसबुक के बाहर का कुछ बूस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपका कोई वेबसाइट है, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, तो उसको आप यहाँ पर फेसबुक पर अपने पेज का प्रमोट कर सकते हो। साथ ही में आपका फेसबुक पेज भी प्रमोट हो जाएगा, आपका वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल भी प्रमोट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपको पेंसिल वाले आइकन पर टैप करके सब कुछ यहाँ से आपको खुद से मैनेज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन टाइप करना होगा, देन यहाँ पर ऐड का नेम दे देना होगा, ऐड टेक्स्ट दे देना होगा, या फिर यहाँ पर एडिट मीडिया पे टैप करके आप अपने फोटोज, वीडियोस, गैलरी में से कुछ भी चूज कर सकती हो। कोई आपने ऐड के लिए ऐसा बैनर बनाया है तो वो सिलेक्ट कर सकती हो। तो आपके जो है बायो के अंदर लिंक होना चाहिए, यानी कि जो बायो रहता है पेज का उसके अंदर लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो थ्री लाइन पर टैप करके, एडिट पर टैप करके लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वेबसाइट लिंक, तो यहाँ पर आप वेबसाइट लिंक को ऐड कर देना, ठीक है? फिलहाल मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ बैक। पोस्ट को बूस्ट करके दिखाता हूँ, यानी कि मेरे रील को मैं आपको बूस्ट करके दिखाता हूँ। मैंने आपको दोनों का तरीका बता दिया किसका क्या यूज है, ठीक है? इस वाले रील को मैं बूस्ट करके दिखाऊंगा, तो जो ये एड प्रीव्यू होगा वो देखने को मिल जाएगा कि बाकी लोगों को आपका एड किस तरीके से दिखने वाला है। ये आ चुका है मेरा, आप लोग देख सकते हैं कि स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें स्पॉन्सर्ड पोस्ट रील देखने को मिलती रहती है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपका भी ये पोस्ट है वो किसी और को स्पॉन्सर्ड तरीके से दिखने वाला है, राइट? यहाँ पर जो है कुछ आपको नीचे स्क्रॉल कर देना होगा। सबसे पहले आपको गोल सिलेक्ट करना होगा कि आपको क्या गोल चाहिए, मेन गोल आपका क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे गोल मिलते हैं, ऑटोमेटिक है, गेट मोर मैसेजेस पे टैप करोगे तो नीचे आपको ये जो आपका है ये जो प्रीव्यू है नीचे देख सकते हो, सेंड मैसेजेस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर गेट मोर मैसेजेस करता हूँ तो उनको डायरेक्ट सेंड मैसेजेस का ऑप्शन मिलेगा। गेट मोर वीडियो व्यूज करता हूँ तो मेरे वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिलेंगे मुझे, हालांकि व्यूज तो मिलेंगे ही, बट ये जो है एक एक्स्ट्रा तरीका होता है जिससे आप एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हो, राइट? यहाँ पर जो है गेट मोर लीड, गेट मोर कॉल्स, आपका कोई बिजनेस है, आप कस्टमर के लिए एड रन करवा रहे हो तो गेट मोर कॉल या फिर लीड भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं ऑटोमेटिक चूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं तो आपको जस्ट डेमो दे रहा हूँ, तो मैं ऑटोमेटिक को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपको कितना रीच मिलने वाला है वो सब कुछ, ठीक है? नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा, सेंड मैसेजेस, ये वैसे ऑप्शनल रहेगा, आप चाहो तो इसको जो एडिट कर सकते हो, नहीं तो इसको ऑप्शनल रहने दो, ठीक है? नीचे है स्पेशल एड कैटेगरी, अब इसको भी आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, जैसे है एजिस्ट्रेट उसी तरीके से रहने दो। ज्यादा यहाँ पर आप छेड़छाड़ करोगे तो आपका रीच थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर ज्यादा जो है बूस्ट करने का कोई फायदा नहीं रहता है। अब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को आप कनेक्ट कर सकते हो, फिलहाल मैं नहीं करना चाहता। अब नीचे देखो आपको मिल जाएगा कि ऑडियंस, आपको ऑडियंस को चूज करना होगा, तो ऑडियंस में आपको जो है रिकमेंड करूंगा कि आपको 18 से 30 ही रखना है, ठीक है? 18 से
TSC आपको सिलेक्ट करना है, ज्यादा कम नहीं करना है, क्योंकि इसी में आपको ज्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। यहाँ से आप जो है रीजन चूज कर सकते हो, यानी कि आप अपना जो है लोकेशन चूज कर सकते हो। मैं फिलहाल ऑल इंडिया करके रखा हूँ, आप अपने जो है कुछ सिलेक्टेड एरिया के लिए प्रमोट कर रहे हो तो यहाँ से आप अपना लोकेशन चूज कर सकते हो, जो भी लोकेशन होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ऑडियंस को सेव कर लेता हूँ। अब नीचे आपको जो है यहाँ पर जो है क्रिएट ये पीपल, यानी कि आपका एड का टारगेटिंग रहेगा वो चूज कर सकते हो। अब मेन आ जाता है एड बजट, यानी कि आपका एड का बजट क्या रहना चाहिए। तो फिलहाल जो है मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मैं अगर यहाँ पर 410 रुपीज स्पेंड करता हूँ तो मुझे 7000 प्लस का रीच यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। बट मैं इतना स्पेंड करना नहीं चाहता क्योंकि जस्ट मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल इसको लो कर देता हूँ। यहाँ पर आप डेज भी चूज कर सकते हो कि कितने देर के लिए आपको एड रन करवाना है। मैं फिलहाल एक दिन का कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा मुझे चाहिए नहीं। आपको ज्यादा करना है तो आपका बजट पर सपोर्ट करता है, आप ज्यादा भी रख सकते हो। नीचे आपको दिखाया जाएगा कि ये कल से स्टार्ट हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए रिव्यू में रहता है। अब नीचे देखो आपको प्लेसमेंट किस किस पर होना चाहिए, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके आप प्लेसमेंट चूज कर सकते हो। फिलहाल मैं जो है इसको फेसबुक ही रखता हूँ, इंस्टाग्राम को इसको हटा देता हूँ क्योंकि भाई मेरा फेसबुक ही रहना चाहिए, ठीक है। फेसबुक पर ही एड रन होना चाहिए। अब लास्ट स्टेज पर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि टोटल पेमेंट मुझे 90 रुपये एड का लगेगा, प्लस GST टैक्स लगेगा 16 रुपीज, टोटल मिलाकर 106 रुपीज का मेरा फंड है यहाँ पर, तो वो मुझे यहाँ पर पे करना होगा। मेरे अकाउंट के अंदर फिलहाल 58 रुपीज एड है, बट और मुझे 58 रुपीज यहाँ पर एड करना होगा। तो मैंने आपको बताया कि आपको प्रमोट करना है तो यहाँ पर आपको फेसबुक को पैसे पे करने पड़ेंगे, तभी फेसबुक आपको प्रमोट करेगा। फ्री में फेसबुक प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। बट इसका रिटर्न भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, अच्छी रीच मिलती है, पेज बूस्ट हो जाता है, या फिर रील पर ज्यादा व्यूज मिलते हैं। जो भी आप जिस तरीके से मैंने आपको प्रोसेस बताया वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल मुझे एड मनी पर टैप करना होगा, पैसे मुझे पे करने होंगे क्योंकि मेरे पास बजट कम है, ठीक है। अब UPI आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, या फिर आप किसी और मेथड से भी पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, जो भी आपको सही लगता है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको फिर से आ जाना है अपने जो है इस वाले पेज के अंदर, तो आपका जो फंड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर एड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो एक बार पूरा यहाँ से पेज को हटा देना, देन जो प्रोसेस है वो फिर से एक बार ट्राई कर लेना, तो आपका जो है फंड ऑटोमेटिकली यहाँ पर एड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको करना क्या होगा कि बूस्ट पोस्ट पर टैप कर देना है। इसमें जो है 24 आवर्स तक रिव्यू में रहता है, ऐसा नहीं कि जैसा आपने बूस्ट किया वैसा ही आपका प्रमोट हो गया, इसमें टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये जो है यहाँ पर एड रिजल्ट के अंदर ये जो है प्रमोट हो चुका है, योर एड्स इज इन रिव्यू, यानी कि मैं फिलहाल रिव्यू में है। ये देखो इसमें जो है अभी मेरा बिल्कुल भी यहाँ पर बैलेंस कटा नहीं है, एक दिन के लिए मैंने एड रन करवाया है, तो कुछ इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। एड बाकी यहाँ से आप अगर एडिट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट एक बार रन करवाने के बाद बिल्कुल भी आपको एडिट नहीं करना है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। अब बाकी का आपको जो है मैनेज पर टैप करके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, एड इन रिव्यू में है। यहाँ पर आप आके पूरा रिजल्ट देख सकते हो कि कितने क्लिक मिले, कितने आपके व्यूज मिले, या फिर आपके पेज पर कितने लाइक आए, कितने फॉलोवर आए, वो सब कुछ यहाँ से आप लोग मैनेज पर आके चेक कर सकते हो, ठीक है। आई होप फेसबुक पेज को कैसे प्रमोट करना है, कैसे बूस्ट करना है, सारा प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है, आपका कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, आप सबने वीडियो को यहां तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।